नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि लैपटॉप और कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे लगाते हैं। जब पासवर्ड लगा देंगे तो आपके लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर को कोई खोलना चाहेगा तो बिना पासवर्ड जाने उसको खोल नहीं पाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि पासवर्ड बहुत जरूरी होता है, अगर पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो आपका डेटा का मिसयूज हो सकता है, कोई फोटो आपका चुरा सकता है, कोई आपका वीडियो ले सकता है, डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीजें। तो चलिए आपको समझते हैं और सिखाते हैं किस तरह क्या होता है। देखिए मेरे पास ये लैपटॉप है, दिख रहा ना ये। अब इस लैपटॉप को जैसे ही हम ऑन करते हैं, सपोज करिए, तो हम इस पर जो पावर बटन होता है उसको हम प्रेस कर लेते हैं, यहां से प्रेस करते हैं, और लैपटॉप जैसे ही ऑन होगा ना तो बिना पासवर्ड डाले ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कैसे लगाया जाता है, कैसे कराया जाता है, पूरा वन बाय वन के बताता हूं आपको मैं। देखिए ये ऑन हो रहा है, इसके अंदर विंडो 10 लोडेड, विंडो 10 प्रो लोडेड है। तो आपके विंडो 10 लोडेड हो, देखिए ये लैपटॉप खुल चुका है, ये यहाँ पे आके रुक गया है। ठीक है, अब अगर पासवर्ड मालूम है तभी मैं लैपटॉप खोल, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कह रहा है, यहाँ देखिए, देखिए मोबाइल को, देखिए यहाँ कह रहा है कि इस पीसी का नाम डेल है और यहाँ पे पासवर्ड। अब पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ, मान लीजिए कुछ करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, नहीं खुलेगा, बता रहा है द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, दिख रहा ना। फिर क्लिक कर लेते हैं, फिर कुछ डाल देते हैं तो नहीं खुला है, नहीं खुला ना। अब हमें रियल पासवर्ड, जो एक्चुअल पासवर्ड इसका मालूम है तभी आगे बढ़ेगा। तो मैं डालता हूँ, ये पासवर्ड इसका है, मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया। अब लैपटॉप खुल चुका है, जो भी काम मुझे करना है ना तो इसमें कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वही बताता हूँ आपको वो पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। हाँ, उसके पहले चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दी, नोटिफिकेशन ऑन कर दी। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर होते हैं ना, वो जानना चाहते हैं सारी चीजें, उनको कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है ना आपको, सिंपल तरीके, देखिए ये लैपटॉप है और यहाँ एक दिख रहा, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ टाइप हियर टू सर्च। यहाँ सिंपल क्या करना है आपको, टाइप कर देना है CONTRO, कंट्रोल पैनल लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे ऊपर कंट्रोल पैनल लिख के आ गया, आ गया ना। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुल, मतलब विंडो नया खुल के आ गया, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसमें आपको सर्च करना है यूजर अकाउंट, तो हमें दिया हुआ दिख गया है यूजर अकाउंट, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये यूजर अकाउंट यहाँ लिखा हुआ। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए एक नया विंडो खुल के आ गया है। इस विंडो के अंदर लिखा हुआ है डेल लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, मतलब कि पावरफुल अकाउंट है। अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट होता नहीं पावरफुल होता, लेकिन ये इस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ खुलेंगे, यहाँ लिखे आ रहा है मैनेज अकाउंट अनदर अकाउंट, ठीक है इस पर क्लिक कर लीजिए, इस पर क्लिक करिए, मैनेज अनदर अकाउंट को क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक खुल के आ गया। या आप चाहते हैं कोई नया अकाउंट क्रिएट करना तो यहाँ से आप एड अ न्यू अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें नया अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, हमको इससे पासवर्ड डालना है। मैंने पासवर्ड हटा दिया आपको सिखाने के लिए, जो पुराना पासवर्ड में डाल रखा था, अभी उसमें कोई पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ है, तो नए तरीके से आपको डाल कर सिखा रहा हूँ। देखिए क्लिक किया गया डेल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर दो बार क्लिक कर लेंगे, दो बार क्लिक करेंगे, हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए लिखा रहा है, यहाँ लिखा गया डेल अकाउंट आ रहा है, यहाँ दिया हुआ क्रिएट अ पासवर्ड, ठीक है आपको ना, क्रिएट अ पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ पासवर्ड के ऊपर। अब जो भी आपको पासवर्ड डालना मान लीजिए है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से जो भी पासवर्ड आपके मन में आता है वो डाल दीजिए। तो मेरे मन में जो पासवर्ड आ रहा है वो डाल देता हूँ। तो अब ये क्रिएट पासवर्ड क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ दिया हुआ टाइप पासवर्ड हिंट, मान लीजिए कि आप पासवर्ड डाल देते हैं भूल जाते हैं, तो कोई हिंट आपको कंप्यूटर बताए कि इससे रिलेटेड पासवर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे हिंट डाल सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जान सकते हैं। मान लीजिए लिख देता हूँ मैं NUM, जो भी लिखना आपको है लिख देता हूँ, मैं नंबर लिख दिया हूँ, जो लिखना आपको लिख दीजिए, उसके क्रिएट पासवर्ड क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है कि पासवर्ड इस पर क्रिएट हो गया। अब दिखा रहा है कि डेल अकाउंट लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब हमने इस लैपटॉप को दोबारा से पासवर्ड हटा दिया था, अब दोबारा इसको हम रिसेट करते हैं। जान लीजिए एक बार ये दिखा के दिखाता हूँ मैं आपको कि पासवर्ड जो है रिसेट करता हूँ मैं इसे। अब देखिए खुलते ही रिसेट मेरा लैपटॉप होगा तो दोबारा पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंट्री नहीं होगा सही तरीके से तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। और पासवर्ड एक बार हटा के भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे खुलता है, देखिए ठीक है। तो जब रिस्टार्ट होगा तो अभी हमसे क्या करेगा, पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा, हमें पासवर्ड जब मालूम होगा तभी आगे बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। वेट कर लेते हैं कितना टाइम लगाता है, और अगर आपके लैपटॉप स्पीड तेज है तो ये सारी चीज़ जल्दी हो जाएंगी, अगर लैपटॉप स्पीड स्लो है थोड़ा धीरे काम होगा। तो देखिए ये धीरे धीरे करते करते हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप जो आगे बूट कर रहा है, देखिए डेल कंपनी का लैपटॉप हमारा है ये। और इसी लैपटॉप में अक्सर मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ क्या चीज़ें हैं। अब देखिए खुल के आ गया और यहाँ पर ये रुक गया है, ठीक है। अब फिर पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए जो पासवर्ड बना रखा है हमने डाल दिया, तो देखिए हमारा लैपटॉप जो है आगे बढ़ना शुरू हो गया, क्लियर है ना। अब एक बार और आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए पासवर्ड आपने डाल रखा है, पासवर्ड आपको हटाना है, आपको पासवर्ड नहीं चाहिए, तो क्लिक करिए फिर वहीं पे ही,
ठीक, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करिए। आप चाहते हैं पासवर्ड हटाने के लिए CUNTRO कंट्रोल पैनल पर क्लिक, यहाँ लिखेंगे फिर खुल के आ जाए कंट्रोल पैनल, यहाँ क्लिक कीजिए। और क्लिक करने बाद में और फिर वही चीज़ें जाना, फिर यूज़र अकाउंट में जाना आपको है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ डेल, इस पर क्लिक करेंगे दो बार, ये क्लिक करने, एक बार क्लिक करेंगे इसके ऊपर, फिर मैनेज अकाउंट दिया उस पर क्लिक करिए, ये खुल के आ गया है। फिर इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर देंगे तो देखिए आ गया है। अब चेंज द पासवर्ड क्लिक है ना, यहाँ दिखा हुआ है ऑलरेडी क्रिएट पासवर्ड है, तो अब क्या करना है हमको, चेंज पासवर्ड क्लिक करना है। तो हम चेंज पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और जो हमारा करंट पासवर्ड है, मतलब पासवर्ड हटाना आप चाहते हैं, करंट पासवर्ड है तो हम यहाँ डाल देते हैं, जो भी पासवर्ड हमारा उसको डाल दिया, और नीचे न्यू पासवर्ड और ये पासवर्ड जो है इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और चेंज पासवर्ड क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया था। अब देखिए हमारा लैपटॉप जो है, दोबारा इसको हम रिस्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि पासवर्ड मांगता है कि नहीं मांगता। ठीक है, तो पासवर्ड क्रिएट करना भी आप जान गए हैं, और देखिए रिसेट हो रहा, हमारा हो रहा है, और इसे रिसेट भी हो रहा है। अब देखते हैं कि पासवर्ड मांगता नहीं मांगता है। तो पासवर्ड क्रिएट करना, पासवर्ड को आप हटाना भी दोनों तरीके से सिंपल से कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड हटा दिया है, हम देखते हैं कि क्या पासवर्ड मांगता है कि नहीं मांगता है लैपटॉप को। अब देखिए ठीक है, अब डेल लिख के आया, और डेल लिख के आगे ही बढ़ गया, इसमें कहीं कुछ करना नहीं पड़ा। क्लियर दोस्तों? तो कोई पूछे आपसे कि लैपटॉप में पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, कैसे पासवर्ड को रिमूव करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को, तो आपको लॉगिन करके उसको आप सिंपल तरीके से ये सेटिंग कर सकते हैं, और आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। देखिए अभी देखिए हमारा पूरा खुल चुका है, अब कहीं मुझे एक्सेस करना है, कुछ भी खोलना है, फाइल देखना है, तो सिंपल तरीके से हम जो इसको देख सकते हैं, सी टाइप क्या होता है, डी टाइप क्या होता है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, ये पूरा पूरा क्लियर है ना। तो पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड जो है बनाना आप सिंपल तरीके जान ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से करके आप Windows 10 Pro के अंदर ये काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो से कुछ सीखे होंगे। वीडियो पसंद आपको है इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बताइए के लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर दोस्तों। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।